गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबको सलाम नमस्ते। और गाड़ी कोयम्पेट में आ गई है। रात को 12 बजे कोयम्पेट चेन्नई मंडी में हमने गाड़ी खड़ी कर दी थी। ये गाड़ी कोयम्पेट में खड़ी है अपनी, ये। और अब देखते हैं कितनी खाली आज होती है। अभी सुबह का टाइम है, 6-7 बज रहा है, और अभी कितना गाड़ी खाली होती है, कितनी और बचती है। तो कभी हो सकता है पूरी भी हो सकती है, कभी आधी भी हो सकती है। देखते आगे बता दूँ मैं आपको क्या होता है आज का ही टाइम, है ना। दोस्तों होटल पे आ गए हैं, चाय आई पी है अभी। गाड़ी यहीं खड़ी है, चाय पी के फिर रास्ता त्रिपाल खोलते हैं। मंडी का व्यू, बहुत बड़ी मंडी है। तो यार देखूँगा तो दिन भर हो जाए, पूरा वीडियो बनाना है इसमें। चलो ऐसा तरीका बोलेंगे, चाय पी लेते हैं फिर। दोस्तों गाड़ी अनलोडिंग होने शुरू हो गया अपना। 7:30 का टाइम हो रहा है, 7:30 बजे आज अनलोडिंग चालू हो गया अपना। देखते हैं आज कितना अनलोड होता है गाड़ी अपना। ये शॉप है, चलो देखते हैं क्या होता है। सफर के 12 बज चुके हैं और अभी तक गाड़ी अपनी खाली नहीं हुई है, मतलब 3 थप्पी और बाकी है अभी तक। और सुबह से नाश्ता करी थी, खाना खाना है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, तो गाड़ी कितनी और खाली हुई। अभी तक इतनी गाड़ी खाली हो चुकी है अपनी, 3 हाइट और बची है गाड़ी की, बस देखते कब तक खाली होती है। तो दोस्तों 12:30 बज चुके हैं और अब खाने बनाने की तैयारी चालू हो गई है। और आज बनाएंगे हम दाल बाटी। आटा मैंने लगा लिया है और अब बनाता हूँ मैं बाटी। तब तक आप बने रहिए, भूख भी बहुत जोरों से लग रही है। चलो मैं फटाफट बाटी बना लेता हूँ। तो गाइस पार्टी तैयार हो गई है बनके। अब मैं इनको सेकने की तैयारी करता हूँ। देखिएगा हम कैसे क्या रखते हैं गाड़ियाँ, बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये गैस की टंकी छोटी हमारे पास रहती है गाड़ी के कोने में, और एक छोटा सा चूल्हा है, एक चूल्हा है ये, और ये ओवन है बाटी सेकने का। इसमें हम बाटी सेकेंगे। ऐसा सामान हम गाड़ी वालों के पास उपलब्ध होता है। चले सेकते हैं अब बाटी। अभी मैं बाटी को इसके ऊपर रख देता हूँ ऑन के ऊपर। मैंने गैस चालू कर दिया है। वैसे दाल बाटी राजस्थान की फेमस है और हमारे एमपी में भी मालवा क्षेत्र में बहुत पसंद किया जाता है इसे। थोड़ा स्पेस और चाहिए इसको यार, एक बाटी और है। ठीक है, ये कितनी 3, 3, 6, 3, 9 बाटी है। 2 जने हैं, 2 टाइम का खाना है हम 2 जनों का। चलिए बाटी सेकते हैं, आगे मिलते हैं, बताते हैं, दाल भी बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे। और अभी 1 बज चुकी है और गाड़ी अपने पीछे खाली हो रही है। ठीक है, सो दोस्तों ये अपनी बाटी अच्छी से सिक के रेडी हो गई है। अब इनको ऑयल में फ्राई करेंगे। और ये अपना दाल का सामान भी रेडी हो गया है। ये मिर्ची है जो ग्रीन मिर्ची लंबी फाड़ी हुई, इनको तलेंगे तेल में फ्राई करेंगे। और उड़द चने की दाल बनेगी, वो मसाला भी रेडी है, लहसुन प्याज का, टमाटर रेडी है, लहसुन अलग से डालने रेडी है। और ये अब कुकर चढ़ा दिया है मैंने। चलिए अब इसमें थोड़ा ऑयल डाल के पहले मिर्ची फ्राई कर लेते हैं। चलो मैं मिर्ची फ्राई कर लेता हूँ पहले। तो बाटी फ्राई हो रही है, मतलब अपने पास क्या है, वो घर पे जो कढ़ाई होती है ना, ऐसे कढ़ाई गाड़ी में नहीं होती है, तो कुकर में सब्जी बन जाती है, इसी में बाटी फ्राई कर लेते हैं। बाटी को फ्राई कर रहे हैं, ये देखिए कितनी शानदार बाटी फ्राई हुई है। तो बाटी फ्राई हो जाएगी तो उसके कुकर में से ऑयल निकाल के, मतलब ऑयल तो रहेगा थोड़ा बहुत, दाल बनाएंगे ना, ये दाल का सामान पड़ा है, उड़द चना दाल बन रही है ना, तो ये फ्राई होने के बाद चलो वो करते हैं फिर।
चलो दोस्तों, बाटी आटी रेडी हो गई, सब्जी बनाई है, उड़द दाल चना बनने तैयारी हो गई है। तो ये मैंने पानी रख दिया है दाल के लिए, इसमें थोड़ा ऑयल भी है। एक मिनट मुझे फोकस कर लो ये, और आपको मैं अपने मसाले का डब्बा दिखाता हूँ। मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, मसाला और जीरा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती है। तो अभी मैं इसमें एक चीज़ डालूँगा। तो अभी तो इसमें टमाटर, लहसुन, प्याज, मिर्ची, हरी मिर्ची और लहसुन प्याज का मिक्स है, ये ऐड करूँगा इसके अंदर पहले। तो मैं चलो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो डाल रहा हूँ मैं काली इलायची और ये तेजपान, ये डाला मैंने। और अब ये टमाटर वाला ये डाला मैंने, टमाटर, लहसुन, प्याज। अब आपके वहाँ पे कौन सी स्टाइल में दाल बनती है, हम तो इसी स्टाइल बनाते हैं, हम तो गाड़ी पे ऐसे ही बनाते हैं। अब आप घर पे पता नहीं आपकी कैसे बनती है। चलो आज गाड़ी वालों की दाल ही देख लीजिए कैसे क्या बनती है। अब इसमें लहसुन डालूँगा मैं 4-5, हालांकि मैंने मसाले में पीसी है लहसुन, 4-5 लहसुन हो गई। और एक चम्मच, छोटा चम्मच है लाल मिर्च, एक 2 चम्मच हो गया लाल मिर्ची का, और 3 चम्मच हो गया। मतलब ज़्यादा खाते हैं मिर्ची, तेज खाते हैं घर पे यार। ये हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, अभी 1 चम्मच नमक डालेंगे, ठीक है। अभी बस यही धनिया वनिया इसमें डालते नहीं, और आगे भी दाल डालेंगे, आंधन आएगा तो फिर दाल डालता हूँ। दाल बन चुकी है ये देखिए, उड़द चना की दाल रेडी है। ये बाटी, चलो ये शुरू करते हैं दाल बाटी खाना। आप भी आ जाइए, ये मिर्ची फ्राई, चलो टेस्ट करते हैं, देखें नमक वमक कैसे क्या है। तब ठीक ठाक है, एकदम भाव भाई साहब को प्याज कमी महसूस हो रही है तो प्याज ले रहे हैं। दाल बाटी उनका कहना है कि दाल बाटी प्याज चाहिए चाहिए। मैं कहता हूँ कि तुअर की दाल हो ना तो अच्छा लगे। चलो काट रहे हैं भाई साहब, तो खा लेंगे अपने क्या, ठीक है यार। चलो खाते हैं यार, सुबह का खाना खाना है, नाश्ता करी थी और गाड़ी अभी तक खाली नहीं हुई है, और अब 2 बज गई है तो खाना तो खाना पड़ेगा। चलो खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं। यह अभी अनलोड हो गया, अब यहाँ से निकलेंगे, अब देखते हैं कहाँ का लोड होता है। हेलो दोस्तों, 6:50 हो चुके हैं और अभी तक मंडी के अंदर ही है हम यार, यहाँ से निकले नहीं है। वो भाड़ा लेने में लेट हो गए थे तो फिर 9 एंट्री लग गई, 4 बजे बाद जा नहीं सकते। अब रात को 12 बजे बाद ही सीटें से बाहर निकलेंगे, तो अभी तक कोयम्पेट मंडी चेन्नई के अंदर ही हम, अब रात को 12 बजे बाद निकलेंगे यहाँ से। 11 बजे बाद 9 एंट्री खुलेगी, लेकिन 12 बजे समथिंग निकलेंगे यहाँ से। यहाँ से देखते हैं गोडूर जाएंगे, 4 बजे पहले भाड़ा मिल जाता हमको ना तो हम पहले से निकल जाते, लेकिन अब क्या करोगे, पड़े रहेंगे। और मैं भी सो गया था, अभी मेरी नींद खुली है तो मैं ऑनलाइन आके आपको अपडेट दे रहा हूँ, और आपको मैं मंडी दिखा रहा हूँ, मंडी का नाइट व्यू। अभी चाय आई पियेंगे यहाँ से और फिर पड़े रहेंगे तब तक यहीं, तब तक रात को 12 बजे बाद निकलेंगे, ठीक है।
दोस्तों देखिए कोलमपेट मंडी नाइट का व्यू, मतलब इसमें पूरा लुक एक जैसे दे रखा सभी सभी कंपाउंड का। और ये कैंटीन है, यहाँ पे नाश्ता चाय पानी मिलता है, वो हमारा आदमी खड़ा है साथ वाला उस्ताद जी। अपनी गाड़ी खड़ी है, ये मतलब पार्किंग है यहाँ कोयम्पेट मंडी चेन्नई का, ये अपनी गाड़ी। चलिए अब चाय ही पीते हैं यार। हम निकल चुके हैं, 11 बज चुकी है यहाँ से कोयम्पेट मंडी से, चेन्नई से निकल रहे हैं कोडूर के लिए निकल रहे हैं। चलो आपसे मिलते हैं, वहीं कोडूर जाके मिलते हैं। ये चेन्नई का मेट्रो ट्रेन का ब्रिज है और ये चेन्नई से अभी निकल चुके हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं कोडूर, वहीं से कल होगा पत्रा लोड, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार, सपोर्ट करो यार भैया, अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा मुझे यार।